और भारी बारिश से पांच राज्यों में बड़ी मुसीबत देखने को मिल रही है। ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब, जहां छह दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 39 जगहों पर लैंडस्लाइड की घटना घटी है। ब्यास नदी में तूफान से बिल्डिंग बह गई और पुल पूरी तरह से गिर गया। पिछले 72 घंटों में देश के अलग अलग राज्यों से 76 लोगों की बारिश के चलते जान चली गई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 34, हिमाचल में 20, जम्मू कश्मीर में 15, तो दिल्ली में 5 और राजस्थान में, हरियाणा में एक एक लोगों की मौत। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मध्य प्रदेश के टूरिस्ट की गाड़ियों पर पहाड़ से टूटकर बड़े पत्थर गिर गए। इस हादसे में इंदौर के 4 टूरिस्ट की मौत हो गई है, 10 लोग घायल हो गए। इधर जम्मू कश्मीर के मौसम में कुछ सुधार हुआ और 4 दिन से अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई। दिल्ली में यमुना नदी का वाटर लेवल खतरे के निशान को पार कर चुका है, इससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो चुका है। किनारे के इलाकों से लोगों को दूर हटने के लिए कहा गया। भारी बारिश से 5 राज्यों में इस वक्त भीषण मुसीबत देखने को मिल रही है। लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि रास्तों से गुजरते हुए कब लैंडस्लाइड हो जाए पहाड़ी इलाकों में अभी इसका कोई अंदाजा नहीं है। इसके चलते अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। कुछ तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, और बाढ़ ने कैसे बेहाल कर दिया है प्रशासनिक स्तर पर और सरकार के स्तर पर क्या किया जा रहा है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बारिश ने पूरे नॉर्थ इंडिया में भीषण तबाही मचाई है। हर राज्य का हिसाब किताब आप जरा देख लीजिए, इससे समझ लीजिए। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर भारी बारिश से तबाही है। 1328 सड़कें बंद हो गई, आधे हिमाचल में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो चुका है, यानी कि बिजली नहीं है। आपदा में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह से बात पंजाब की करते हैं, यहां पर 13 जिलों में बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। अब तक 8 लोगों की मौत पंजाब में हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि राहत और बचाव कार्य के लिए लगातार टीमें जुटी हुई हैं। आर्मी और एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई हैं। हरियाणा की बात करें तो अंबाला का 40% हिस्सा जलमग्न हो चुका है, यानी कि तकरीबन आधा हिस्सा जो है वो जलमग्न हो चुका है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत में काफी ज्यादा मुसीबत देखने को मिल रही है। इसी तरह से देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी में हादसा हुआ जिसमें कि 4 लोगों की मौत हो गई। तेज बारिश का अलर्ट है, यानी कि आने वाले वक्त में और बारिश होगी। हरिद्वार में रेलवे ट्रैक पर मलबा गिर गया। राजस्थान की बात की जाए तो कोटा, बारा, झालावाड़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। टोंक के मोती सागर बांध में पानी ओवरफ्लो होने लगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 32 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतें हो रही। अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की बात करें तो 11 जिलों में बारिश को लेकर 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया, यानी कि भारी बारिश यहां पर भी लगातार होती रहेगी, लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। इस बीच हिमाचल प्रदेश से अब तक की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, सोलन में बारिश से शामती इलाके में दरारें देखने को मिल रही। प्रशासन ने मकान खाली करने के ऑर्डर दे दिए। शामती में पहाड़ों पर बने मकानों पर खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। एक तरफ तो बारिश, जलभराव और लैंडस्लाइड, दूसरी तरफ घरों में भी अगर दरारें आ जाएं तो जरा सोचिए कि लोगों की मुसीबतें कितने गुना बढ़ चुकी हैं। ये शामती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, बारिश हो रही है, उसके चलते लोगों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। घरों पे दरारें देखने को मिली और इसी के चलते अब यहां पर स्थिति यह है कि लोगों से घरों को खाली करने की अपील की गई है। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, यहां से भी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मथुरा में बारिश से यमुना का वाटर लेवल बढ़ चुका है। मथुरा में डेंजर लेवल के पार पहुंच चुकी है यमुना नदी। आमतौर पर यमुना जी में पानी कम रहता है, बारिश के वक्त में भी उतना ज्यादा उफनाती नहीं है नदी, लेकिन बारिश ज्यादा होने के चलते यहां पर आप देख सकते हैं कैसे वाटर लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है, खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी है यहां पर भी यमुना नदी। निचले इलाकों में डूब का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बड़ी बात यह है कि प्रशासन की ओर से राहत बचाव के तमाम इंतजाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। तमाम स्थितियां देश में क्या है, बाढ़ और बारिश को लेकर एक एक तस्वीर टाइम्स नाम नवभारत आपको पूरे दिन भर दिखाता रहे। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।